निकी तंबोली ने अपने फैंस को कहा सॉरी। आखिरकार निकी तंबोली ने क्यों मांगी माफी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। वेल गाइज, अनएक्सपेक्टेडली निकी तंबोली कुछ खास स्टंट परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में निकी तंबोली का जो डर है वो उनके मन से निकल ही नहीं पा रहा है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में यहाँ हम डर के पे काबू पाने के लिए जहाँ कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई है, तो वहीं निकी तंबोली का जो डर है वो उनसे उनको ओवरकम कर दे रहा है, जिसकी वजह से निकी किसी भी स्टंट में वेल परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जहाँ हमने पहला स्टंट देखा, निकी तंबोली ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। सेकंड स्टंट में भी आपको बता दूं कि निकी तंबोली सीधे एलिमिनेशन स्टंट में पहुंच गई, और एलिमिनेशन स्टंट में भी जाकर निकी तंबोली ने साफ तौर पर अबॉर्ट कर दिया। सो इस तरीके से निकी तंबोली ने अपने प्रॉपर उस मोमेंट को शेयर किया है, जिसके बाद निकी तंबोली ने एक्सट्रीमली सॉरी कहा है। और उनका कहना है कि थैंक यू रोहित सर फॉर मोटिवेटिंग मी सो मच, लेकिन आई एम रियली सॉरी टू माई फैंस। मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैं उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं खड़ी उतर पाई, बट मैं बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वेल डर है हर चीज़ों से। मुझे सांप से डर लगता है, मुझे मछलियों से डर लगता है। सो बेसिकली वो बहुत स्केयर्ड हैं, और जिसकी वजह से वो हर एक स्टंट को अबॉर्ट करती गई और हर बार उन्होंने सॉरी कहा। इसकी वजह से क्योंकि वो कंटेस्टेंट्स के तौर पर एज अ कंटेस्टेंट वो वहाँ पहुँची, लेकिन उस अकॉर्डिंगली वहाँ पर कंटेस्टेंट से लेकर होस्ट तक के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी नहीं उतर पाई, और यहाँ तक कि अपने फैंस को भी खुश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने तमाम लोगों को सॉरी कहा है। सो गाइज, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप निकी तंबोली के इस अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को लेकर, हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।